हेलो गाइस, नागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई सुबह के बजे हैं 10:30। आज हमारी दादी सास की भाई श्राद्ध था, तो मैंने मनाई थी। तो बस सुबह उठ गई थी मैं। आज बच्चों की छुट्टी है तीनों की। आज तीनों बच्चे घर पे हैं। आज भाई अब पेपर चल रहे हैं बच्चों के, तो तीनों घर पे हैं। आज वो नहीं गए, तो मैं नागर साहब उठे, अपने नहा धो के अपनी दादी माँ की श्राद्ध मनाई। भाई मैंने खीर बनाई, और हमारे तो भाई कच्ची रोटी बनाए, तो मैंने खीर और कच्ची रोटी चंदिया बनाई। उसके बाद फिर अपना नागर साहब का ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में मैंने उपमा बनाए, उत्तपम बनाए मैंने और नागर साहब ने खाए। और फिर भाई किचन थोड़ी सी सुखा दी, झाड़ू पोछे वाली झाड़ू पोछा करके चलेगी, काम होगा मेरा। अब भाई मैंने अपना लड्डू गोपाल बैठा दिया। आज मेरे पता नहीं मौसम ख़राब है कैसे, थोड़ा जुकाम भी होगा और सर में दर्द है बहुत ज़्यादा, रात को बहुत दर्द। तो भाई मैं जल्दी सी पूजा कर ली, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी दवाई लेकर। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना लड्डू गोपाल। तो गाइस ये रहा भाई लड्डू। आज खा रहा है खीर और दूध, क्योंकि आज बृहस्पति है ना, तो पीले कपड़े पहनाए मैंने इसे। ये मेरे राधे कृष्ण है, राम दरबार है, ये शिव परिवार है, बजरंगबली बाबा है, ये मेरे प्रभु जी हैं गाइस। ये प्रभु स्वामी नारायण है, ये माँ है, बाकी पूरे दिन का व्यू देऊंगी भाई। अभी तो बच्चे सो रहे हैं, उठेंगे जब बातचीत होगी। ऊपर का कमरा नागर साहब जिम जो बनी थी उसमें मलबा रखा है, तो उसके लिए वर्कर लगा दिया, उसे साफ कर रहा है। आज शायद उसका पेंट शुरू हो जाएगा, शायद पक्का तो मुझे कन्फर्म ना है। तो भाई जिम का भी काम चल रहा है हमारे, और छत भी साफ कर होगी हमारी लगभग। बस अब नागर साहब तो कह रहे हैं कि मशीन ले आती हूँ, मैं मना कर रही हूँ। मैंने कहा मतलब शराद के बाद लाना, माँ स्कूल मंगवाऊंगी भाई, क्योंकि शराद में तो आप पता हो शरादन में कोई भी चीज़ शुभ काम ना होते, तो इसलिए मैंने कि अभी मतलब जिम बाद में लेके आना। तो भाई बाद में फिर आप तो मिलती हूँ जब अभी नागर साहब लग रहे हैं किसी काम में, पता ना कहाँ है, बच्चे भी सो रहे हैं, तो फिर आप। तो गए शाम के बज गए हैं भाई 7:30, और जैसा कि आप पता है अब होगा भाई डिनर का टाइम। तो भाई मैंने तो जोत बत्ती कर ली, पूजा कर ली अपनी शाम की, और रसोई साफ कर दी, मलाई रखी, ऊ जमाई है आज काफ़ी दिन की, दूध जमाया थोड़ा सा, काफ़ी दिन तो दूध बच रहा ना आया, तो मैंने नागर साहब तो बोला कि एक्स्ट्रा दूध लो अगर दही खानी है, तो भाई वो कल तो एक्स्ट्रा दूध ले रहे हैं, तो अब आज मैंने दही जमाई है और मलाई जमाई है खाने की। और बाकी आज बनी है हमारे भाई कढ़ी डिनर में, क्योंकि नागर साहब कह रहे थे दाल बना लो, लेकिन मैंने कहा दाल नहीं, आज बनाएंगे कढ़ी। तो भाई मैंने कढ़ी बनाई है, और बच्चन के कल पेपर है, जो सीनियर नागर साहब का फंक्शन है, और जो जूनियर नागर साहब का और बेटी का कल पेपर है, तो वो भी अपनी तैयारी कर रहे थे, बेटी अपना पेपर की पढ़ाई कर रही। तो भाई मैंने उसे आज डिस्टर्ब ना करा, मैं चल मैं कर लेती हूँ किचन का काम, तो मैंने ही करा फिर किचन का काम। बस अब रोटी डाल रही है, देखो रोटी बना रही हो भाई पीछे देखो, बाकी कढ़ी बन गई है और सब काम ऑलमोस्ट तैयार होगा। नागर साहब आएंगे जब करेंगे डिनर, फिर आप तो बात करेंगे। और जूनियर नागर साहब जैसा कि आप पता मेरा एक नंबर का चटोरा है, तो वो लेने गया अपने लिए फ्राइड मोमोज, वो लेने गया फ्राइड मोमोज अपने लिए, जैसे कि आप पता बहुत चटोरा, तो डेली वहाँ चटपने चाहिए। कल अपनी मैगी बनाई, आज अब भारत मोमोज खाने लेने गया है। और भाई बाकी जब पूरा काम वाम हो जाएगा, जब नागर साहब आएंगे, बाकी बात जब करूंगी, फिर मिलती हूँ आप तो भाई। राम राम भाइयों, देखो यू अपना आशु जी, हमारे बेटा आयो, हमारा देखे बेटी कितना अच्छा लगा, राम राम करियो, ऐसे ना जोर तक है, राम राम भाई। हाँ यू हमारा फेमस है, बॉडी बॉडी देख रहे हो, बॉडी ऐसी ना हो, देसी बॉडी है, दिखा दो देसी बॉडी, ये मेहनत वाली है, ये पाउडर वाउडर वाली नहीं है, ध्यान रखे पाउडर में खाइयो, सब बेकार चीज है। ठीक है जी, बाद में मिलते हैं, जा रहा हूँ कुछ काम है, राम राम। गाइस देखो आए हैं दुकान पे, तो देखो कैसे घर है, मैं देखो
एक्टिंग कर रहे नगर साहब, नगर साहब बहुत एक्टिंग कर रहे। अच्छा अभी दुकान पे आए, खाए पिया, लौटने छोड़े हो, व्लॉग बनाओ, मेरे गार्जियन से बात करो। राम राम जी, सब बड़े पूरे भाई ले सो ना, राम राम। ठीक ठाक, जब तक तनु कह रहे मैं कि चावल बना दूं तो मैं उरन लगे, और फिर जब बन गई रोटी जब कह रहे तू तो चावल को गेरी भाई, तुम पता है बता अलग अलग बतावे क्या करो, नहीं नहीं कौन ही बतावे। सुनाओ जी, सब ठीक ठाक? सब ठीक है, नहीं कह रही। और बता, कदे तेरी टेंशन खत्म आ जाए, अब सार में सोई, दिक्कत ही दिक्कत हो जा बेचारी को, कोई कुछ कहे तो जब टेंशन ना आ जा, ऐसी टेंशन रोज फेंके हम उतार के। अब खुद बुढ़े होते जा रहे हैं, टेंशन ले लगे, देखो औखन में देखो कैसा, अभी मैं लेट रही तो मैं नहीं देख रही, बड़े गौर से देखो, अरे तो नींद तो हो रही है ऐसी तो। और सुनाओ जी, सब बढ़िया है, बाल बच्चे सब ठीक है? अब मुंह पकड़ा देगी भाई, मेरा हाथ दुखने लगा है, पता नहीं आपका हाथ दुख है, हमारा तो लोहे मोबाइल फोन ने पकड़ा जाता घनी देर लोहे को हमारा तो। और सुनाओ जी, क्या चल रहा है मार्केट में? ठीक है, किसा बेटा डायलॉग बोलता है, मैं बीमार लग रहा हूँ, बीमार हूँ मैं, मेरा किधर है कोली खाऊ टेबलेट, मैं ना बीमार हूँ, पागल हूँ ये है बीमार। ठीक है भाई, मेरा हुआ सुबह सर में बहुत तेज दर्द, तो मैं दवाई लेके लौट गई, अभी न जब तो वही बात पकड़ रहा कि दोपहर को सोई खूब खूब भाई साहब, मैं काम करके आ गया, अपन आधी दिल्ली में घूम के, आधी दिल्ली और अयुज सोईती मिली, मैं सोती छोड़ो को सोती मिली, क्या बनेगा पता नहीं भाई, जब आदमी की तबीयत खराब रहे, सर में दर्द हो रहा है मेरे और जुकाम हो रहा है, हरदम तबीयत खराब रहे है कि देख कैसे मजे आ रहे हैं आके, रात दिन सोवे बस काम कौन कर रहा है, उठ के थोड़ा सा ब्लॉग बनाते हैं, नु कहते हाय गाइस वेलकम बैक माय चैनल, बस वाइम कॉम हो जा और देसी पठान की बात कहाँ जाए, देसी पट्टा वो कौन है, समझ गए समझने वाले। और सुनाओ जी, क्या चल रहा है बताया करो, क्यों नो कमेंट भी ना आ रहे आजकल, क्या बात है, नाराजगी हो रही है कुछ, क्या कह दिया हमने वैसे कुछ, ऐसे तो कहीं की बुरी भैंस ना खोली, बुरी भैंस है ही ना कहीं का, साढ़े सट्टीन गए मेरे ने बहुत बुरी ना, उनके काली तो कैसे पता, तू कद गई क्यों भैंस पता, वो काली रहे तो कैसे पता गई, तू कद दिवा के दो रहे उनके क्यों भैंस, काली काली भैंस है उनके, या पता काली है भोरी है कैसी रहे बुरी, हाँ सफेद है सुनहरी रे, पता और छह नहीं, बस नू धूल में लठिया घुमाती रहे, किसी ने बोल है नागर साहब भाई, अब मस्त मॉल बन गया इनकी, इनकी फेवरेट डिश बनी है कड़ी, और यूँ कह रहे मोता है सब्जी मत बना दाल बना ला, मैंने पूछी रोटी खाओगे चावल, तो ऐसे घुरन लगे मुँह, मैंने कि ठीक है तो फिर रोटी बना देंगे दाल की गल चावल भाई, मैंने कड़ी बना दी, तो अब यूँ कह तू तो चावल बना रही, बिहारी वाला खाना खाओ, इनके इनकी ना पता चलती मुँह का फरमाइश है कहा है काम हो गए, होली है कौन का कौन होली होली जो ऊपर दिख रहा कुछ भी और का दिख रहा ऊपर दिख रहा एसी दिख रहा हूँ एसी ना दिख रहा। ठीक है जी, मिलते हैं कल बाद, रोम रोम नहीं करता ना, भी नो करनी अभी और बात करेंगे हम, अरे नींद आ रही है अब ना, मो तो ना आ रही, मो तो आ रही बहुत, अभी तो सोए तुम, मैं सोयो अभी भाई, ये सोए चार बजे उठे साढ़े पांच बजे, इतने झूठे ने तो कम बोलेगा, इतने झूठ बोले सफेद बोले कि जब देखे दाढ़ी भी ना बना रखी, वो चल रहे ना उधर ना करवा फिर गड़बड़ कर दे बताया ना, तो अभी ऐसा थोड़ी है तुम 15 दिन तक वैसे तो फिर आगे नौरते आ जाएगी, तुम तो इतनी बड़ी दाढ़ी हो जाएगी तुम्हारी, तो कोई बात नहीं लुक चेंज हो जाएगी, नहीं हां बचपन वाला मत करेगा यार, मोचन लगते नागर साहब दाढ़ी मूछ में मो साफ सुधरे हो, और तो लोग करना अच्छे लोग हूं मैं दाढ़ी में, मोर अंदर क्या करना भाई, मो अपने नागर से मतलब है, और तो स्मार्ट से लगो दाढ़ी में, मुझे तो अपने नागर से मतलब, मो दुनिया क्या करना,
दुनिया कैसे रह रही, मुझे क्या लेना, मुझे तो अपने नाना को दाढ़ी में बहुत बढ़िया लग रहा है, कूड़ा हो जो आज कह रहा हूं मिला होगा दाढ़ी, उन्होंने कहा आप तो पटाखा लग रहे हो दाढ़ी, कह रहा हूं पटाखा लग रहा है, तो अब दाढ़ी ऐसी का ये सफेद दाढ़ी ना दिखे निकल रही है थोड़ी पे, अरे ये तो बात न जलाता होगी मेरे, मेरे काहे को सफेद बाल है मेरा, मैं तो अभी अब वो जो बता करवा चाहो तारीख का द्वारे में भैया सुनो, देख लो मेरे गाइस भी पूछना चाह रहे हैं कि नागर साहब क्या गिफ्ट देंगे, मैं तो हर महीने ही गिफ्ट दूं भैया, नई बात कहा है, तुम कहा गिफ्ट दो, कहा नो दियो, कहा दे बता, पिछले या महीने में सूटर की बारिश कर दी तो बस, और हर महीने कुछ न कुछ होते ही रहे, बात करवा चौथ की हो रही है, करवा चौथ, अच्छा लिया आई हो, पागल बना रही है पहले, ना भाई मैं तो ना लाई झूठ बोल रही हूं, सूट क्यों ले, आप मंगवाए ना अपनी सहेली पे पंजाब से, फालतू बोला है झूठ, पंजाब से मंगवा ली पहले ही, फिर बोला है हमें उल्टी सीधी कौन सुना है ऐसे वैसे के कैसी तरीका था, आ जा बस, तुम दे ही दो है, और कौन दे दो, तो और कौन दे तो मैं ही देऊं तो और कौन दे, या को बजाय मांगने की जरूरत, कैसी बात करे घर की रानी आई, राज जो मर्जी ले ले, रानी रानी कह गए तुमने, मैं नौ रोटी भी ना छोड़ी ऐसा कुछ लो है, ये दुनिया नु जाना है भाई, हुई आई हुई है सब कुछ, मैं लीडर में कुछ नो भाई, ऐसा मैं सब कुछ पता हूँ, ठीक है जी, यही हाथ में सब कुछ करता रहता है, मेरे पागल हम तो नु घुमा रखे हैं, कितने झूठ कह रहे हैं, हमारी बड़ी बूढ़ी जो हम तो सुख चिंता का हमारी भाभी हो, कह रहे हैं हम तो लौंडा काबू में कर लियो ना, कैप्चर कर रखो पूरा, ऐसी है ना, भाई कैप्चर भी करे तो सुनेगी नीचे वाले भाभी, हमारे कैप्चर भी करे तो अपने नागर साफ करे ना भाई, कोई और तो ना, सच्चाई कह दी आज, ऐसा कुछ ना हो, हम ऐसे ना हो, ठीक है जी, ठीक है ना, उन्हें ना ऐसे है ना, बस जो हम कहेंगे वो ये है, बस वो ही, तुम कुछ भी करो बस मेरे करवा चौथ की शॉपिंग करवाओ, ओ हुई पटिया तेरी, पागल मत बना, का होगी मेरी, सब होगी, अभी तो मेरा सूट बनाया, पता आ गए सब आ गए, कुछ ना आया, झूठ बोल रहे, झूठ कैसे बोल रहे हैं, नहीं हाँ, कहा झूठ बोलती बता, अभी तो कुछ भी ना आया बताना, 10,000 रुपए ले जाएगी, उन्हें खर्च कर देगी, फिर कहेगी अभी तो मेरे यू ना, अभी तो मेरे ऊन आयो, फिर 10 और दो, फिर वो भी खर्च, फिर जब 20,000 खर्च करके नू कहेगी मेरी तो शॉपिंग अधूरी हुई, हर बेर ऐसी करो तुम, तेरा पागल बना रखो हमारो, ठीक है ना, 9 मिले तो 10,000 रुपये मिलेंगे, पर जा जो ले लो, 10,000 बताना भैया, आज के टाइम में सैंपल चुप्टी बनावे, जो बताओ यार की उम्र हो रही है, इस तरह बहुत नई नवेली बहुत हो रही है भाई, सैंपल चुप्टी बालक बड़े हो रहे हैं, तो समझे करो साहब किताब, नजर लग जा फिर, बता मेरे पैसे देने के मारे मेरी उम्र और बड़ी कर दी है ना, फिर इतनी भी नौ हो रही है अभी, मौत है बड़ी बड़ी बैठी है, नेशनल टीवी पे सच्चाई रहने दे, कर दो तो भाई आज का ब्लॉग करते हो मैं, ऐसा करवाना, आज का ब्लॉग करते हैं भाई मैन, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए, हमारी नोक झोंक पसंद आए, मारो प्यार पसंद आए, हम तो प्यार कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, थैंक यू, सोई जी हूं जी ना कभी निकल जाओ।